फाइनली बोधगया पहुंच गया। चलो सही है, वेलकम टू बोधगया। पहुंच गए भाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 24 जनवरी के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज संडे है और थोड़ा बोधगया घूमने का मन कर रहा है। चलिए आज बोधगया भ्रमण किया जाए। तो आज की हम लोग की वीडियो ब्लॉगिंग गया केवल बिघा मोड़ से शुरू होकर बोधगया में जाके ख़त्म होगी। चलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा और भ्रमण शुरू किया जाए हम लोग की गेवल बिघा मोड़ से। बस गेवल बिघा मोड़ पहुंचने ही वाले हैं और हम लोग की जर्नी शुरू होगी यहाँ से। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो 2-3 चैप्टर में होगा 24 जनवरी का वीडियो। तो हमारे साथ बने रहिए और गया भ्रमण करते रहिए। 2-3 दिन से गया में ठंड थोड़ा बढ़ा हुआ है। सुबह 10 बजे तक धूप ही नहीं निकल रही है, फिर भी अभी थोड़ा मौसम सही है, धूप थोड़ा कड़ा है। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए घंटी को ज़रूर दबाएँ। जाम का थोड़ा मिला जुला असर दिख रहा है। ज़्यादा जाम तो है नहीं लेकिन फिर भी सही है, संडे है, ना जाम होना कॉमन है। और ख़ास करके ऑटो वाले का जाम थोड़ा कम ही दिख रहा है। बाईपास के उस दिन के वीडियो के बाद आज थोड़ा सही है। इधर संडे के कारण थोड़ा रश कम है, लेकिन ऑटो तो खैर ऑटो वाले हैं। और बाइक वाले को सलाम। गया कॉलेज हम लोग पहुँच चुके हैं और कभी आपको गया कॉलेज के अंदर का भी वीडियो दिखाएंगे, गया कॉलेज के कैंपस का। ये गेट से लेकर के और आगे वाले गेट तक अंदर का वीडियो कभी बनाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। सिकड़िया मोड़ बस स्टैंड हम लोग पहुंच चुके हैं। अब यहां से लेफ्ट लेकर हम लोग अब आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे बोधगया के लिए। एयरपोर्ट होते हुए हम लोग निकलेंगे। पहले से नगर निगम ने अभी साफ सफाई पे बहुत ध्यान दे रखा है, को रोड पे भी साफ सफाई दिख रही होगी। नगर निगम ने बहुत अच्छा काम किया साफ सफाई को लेकर के और लोगों ने भी अच्छा जागरूकता फैलाया है साफ सफाई के लिए। एक थम्स अप तो बनता है।
डीएपी, ज्ञान भारती और मगध यूनिवर्सिटी के जो जितने भी स्टूडेंट होंगे, पुराने वाले स्टूडेंट, उनकी यादें इस रोड से बहुत जुड़ी हैं। ये रोड बहुत कुछ याद करवाती है उन लोग को। शायद अगर आप भी होंगे तो आपको भी याद आ रही होगी इस रोड के बारे में कुछ यादें, पुरानी खट्टी मीठी यादें आप होंगी। उन यादों को याद कीजिए और मेरे साथ बने रहिए, एंजॉय कीजिए इस जर्नी का, खट्टी मीठी जर्नी का। बाएं लेकर फिर हम लोग बाईपास निकल जाएंगे, लेकिन उधर जाना है नहीं, हम लोग को बोधगया जाना है, तो हम लोग सीधा कंटिन्यू करेंगे। आपसे एक और बात डिस्कस करना चाहते हैं, ये जो कार आगे जा रही है, ये देखिए इसका हजार्ड लाइट जल रहा है, तो क्या रनिंग कार में हजार्ड लाइट जलाकर जाना सही है? कार में ही नहीं, बाइक में ही बहुत सारे मैंने देखा है कि हजार्ड लाइट जलाकर लोग जाते रहते हैं, तो क्या ये सही है? कमेंट में बताएं। हमारे गया का एक और लैंडमार्क, ये एयरपोर्ट, अपना गया का एयरपोर्ट, ये हम लोग के राइट साइड में है, हम लोग वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो ये रनवे शायद दिखाई नहीं दे, लेकिन हम लोग वहाँ तक अभी पहुँच चुके हैं। एक बार और दिखाएंगे आपको, शायद थोड़ा रोड, हाँ ये देखिए, ये दिख रहा होगा। रनवे पे अभी लाइट नहीं जल रही है और ना ही अभी कोई फ्लाइट यहाँ पे है। रनवे पे थोड़ा कुहासा जैसा है, थोड़ा हल्का फुल्का, विजिबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दिख रहा है। एयरपोर्ट के आगे में एक और हमारा लैंडमार्क, डीएवी कैंट एरिया, ये हम लोग के लेफ्ट साइड में है, आपको दिख रहा होगा इसका गेट, ये देखिए।
फाइनली वेलकम टू बोधगया। यहाँ से लेफ्ट लेकर हम लोग अब भाई पहुँच गए हैं। ये हम लोग का बोधगया का तोरण द्वार आप लोगों को दिख रहा होगा। वेलकम टू बोधगया। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे साथ बने रहें। इसका चैप्टर 2 हम लोग का नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जिसमें आपको बोधगया का और आगे का वीडियो दिखाया जाएगा। तब तक हम लोग के साथ बने रहें। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें ये वीडियो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो भी हम लोग को अगले वीडियो में इम्प्रोवाइज करना होगा हम लोग ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए सायोनारा। थैंक यू।